नमस्कार, मैं अजीत भारती। मीडिया ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है कैंपेनिंग में। लगातार नए झूठ बनाए गए, विचित्र तरह के सवाल उठाए गए, लेकिन हर तरफ से लगातार मुंह की खाने के बाद भी मीडिया ने मोदी को किसी भी तरह से नीचे लाने के लिए अपनी रचनात्मकता, जिसे अंग्रेजी में क्रिएटिविटी कहते हैं, नहीं छोड़ी। हमने और आपने पिछले कुछ समय में मोदी की जगह गडकरी वाली बात ज़रूर सुनी होगी। ये वही मीडिया है और ये वही लंपटों का समूह है जो मोदी को घेरने के लिए एक हाथ पर यह कहता है कि विकास हुआ ही नहीं है, रोजगार कहाँ है, और दूसरे हाथ पर फिर से मोदी को ही घेरने के लिए यह कहता है कि गडकरी ने सही काम किया है, उसका काम दिख रहा है। ये बात मैं भी मानता हूँ कि मैंने मोदी को किसी भी हाईवे पर बेलचा लेके गिट्टी और कोलतार के मिक्सचर को उड़ेलते हुए नहीं देखा, ना ही मैंने मोदी को किसी भी जगह कोलतार के ड्रम के नीचे आग लगाकर उसे गर्म करके खौलाता हुआ देखा है। मीडिया ने इसे कहीं नहीं देखा, वरना वो ये भी कह देते कि मुसलमानों को जलाने के लिए मोदी जो है कोलतार खौला रहा है। खैर, जब मोदी ने ना तो कोलतार खौलाया ना ही गिट्टी वाला मिक्सचर डाला, तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का श्रेय मोदी को कैसे जाएगा? यही लॉजिक है इनका। तो बात यह है कि काम किया है गडकरी ने, इसलिए उसको प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। ऐसी बात स्टूडियो में गंभीर चेहरा बनाकर, लोकतंत्र को हर रात मारने के बाद माउथ टू माउथ देकर अगले दिन फिर से मारने के लिए जिंदा करने वाले एंकर लगातार करते हुए दिख जाते हैं। एंकर ना भी दिखे तो ये माओवंशियों का जो लंपट पत्रकार गिरोह है, वो आँखों में चमक लिए ऐसा कहता, लिखता या बोलता नजर आ ही जाता। इसका उद्देश्य कोई देश सेवा नहीं है, इसका उद्देश्य यह कतई नहीं है कि उन्हें सच में लगता है कि मोदी की जगह गडकरी आए तो बेहतर होगा। नहीं, इसका उद्देश्य बस इतना है कि किसी भी तरह भाजपा भीतर से टूट जाए। भला पीएम बनने की लालसा किसे नहीं होती? स्टूडियो में बैठा पत्रकार भी पद्मश्री पाने के बाद अपने आप को राज्यसभा के माध्यम से पीएम की कुर्सी पर पहुँचने का सपना जो है वो ज़रूर देख लेता है एक बार। ऐसे में किसी नेता को यह बताना कि तुम्हारी काबिलियत मोदी से ज़्यादा है और तुम्हें मीडिया का भी समर्थन हासिल है, यह एक ऐसा ऑफर है जो वन कांट रिफ्यूज टाइप का हो जाता है। आप ज़रा सोचिए इस बात को ठीक से कि इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है। नितिन गडकरी एक ऐसे मंत्री हैं जो भाजपा अध्यक्ष रह चुके हैं, मंत्रालय का काम हर शहर और गाँव में दिख रहा है, भाजपा के उन चुनिंदा मंत्रियों में है जिनके बारे में मीडिया और सोशल मीडिया ऑर्गेनिकली लिखता और बोलता है। एक तरीका होता है एकता को तोड़ने का, लेकिन मीडिया यहाँ पर एक गलती कर रहा है। दो सिगरेट हैं आपके पास और माचिस या लाइटर नहीं है, तो कैसे जलाएंगे? इस वाले चुटकुले में आपको एक सिगरेट की बड़ाई करनी होती है और दूसरा ईर्ष्या से खुद ही जल जाता है। मीडिया का लाइन यही है कि किसी तरह इस पार्टी के कोर ग्रुप में दरार पैदा करो और महत्वाकांक्षा अपना काम स्वयं ही कर दे। मीडिया यह भूल गई है कि भाजपा उन मूल्यों से चलने वाली पार्टी नहीं है और इस तरह की बचकानी बातों से उसमें दरार जो है नहीं आने वाली। जब मोदी राष्ट्रीय राजनीति में नहीं थे तब उन्हें भाजपा ने नेतृत्व दिया था, अब तो उनके पास अनुभव है, हर तरह के काम है दिखाने के लिए और जनता में स्वीकार्यता है। तब फिर भाजपा के भीतर ऐसा कौन मूर्ख होगा जो उससे अलग होकर अपनी सीट गंवाना चाहेगा? जब मैं सीट गंवाने की बात करता हूँ तो मैं बहुत गंभीर हूँ। सीट गंवाने से मतलब यह है कि जनता के लिए मोदी और भाजपा एक ही हैं। सरकार मोदी सरकार के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध है, ना कि राजग सरकार के रूप में। इसमें बहुत लोग तानाशाही खोज निकालेंगे, उनके लिए आयुष्मान योजना का प्रावधान है। मोदी सरकार का मतलब यह है कि सरकार और उसके मंत्रियों ने मिलकर ऐसा काम किया है कि ये समूह पार्टी के नाम से ऊपर अपने नेतृत्व क्षमता के बल पर उभर कर सामने आ रहा है। तो इस भ्रम में रहना कि गडकरी का नाम 10 बार फेंक कर वो गडकरी को मोदी के विरोध में खड़ा कर लेंगे या मजबूर कर देंगे कि एनडीए के बाकी नेता मोदी से अलग जाकर गडकरी के साथ हो जाएं, ऐसा कहना या सोचना मानसिक कमजोरी है। इसका मतलब है कि आपको राजनीति और मानवीय भावों की परख नहीं है। जब बाकी दलों के नेता मोदी शाह के कारण भाजपा में आना चाह रहे हैं तो यह सोचना कि चुनाव के बाद सीट कम पड़ जाने पर कोई इन दोनों को मजबूर कर देगा, ये सस्ते नशे से उपजा हुआ विचार है। मोदी और शाह मजबूर नहीं होते, उनके जलवे से बाकी लोग मजबूर होकर भाजपा में आ रहे हैं।
आप उन दो व्यक्तियों के संगठन क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने अल्पमत होने के बावजूद कई राज्यों में सरकारें बना रखी। अब बात आती है कि क्या भाजपा को वाकई में बहुमत नहीं मिल पाएगा? संभव है कि ऐसा हो जाए? संभव है कि कर्नाटक की तरह केंद्र में भी यूपीए की सरकार बनकर आ जाए जिसमें हर पार्टी की साझेदारी हो? और संभव है कि भाजपा को 300 से ज़्यादा सीटें मिल जाएं? संभव कुछ भी है, लेकिन मीडिया संभव की संभावना को प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। बाद में 220 सीट मिले यह एक संभावना है, लेकिन अभी से ही यह तय कर दिया जाए कि बाद में 220 सीट ही मिले, इसे सधा हुआ कैलकुलेशन कहते हैं। यहाँ आप विचारों से संभावना को निश्चितता की तरफ ढकेलते हुए नजर आते हैं। यहाँ आप डेस्परेशन में एक दांव खेलते हैं, लेट्स थ्रो सम शिट ऑन द वॉल एंड सी व्हाट स्टिक्स। लेकिन जब आपने दीवार पर टट्टी ही फेंकी है तो चिपक कर जो बचेगा वो भी टट्टी ही होगा। अब उम्मीद का क्या करें? आशा पर ही जीवन चलता है, मीडिया यही आशा कर रही। मठाधीश लगे हुए हैं कि किसी तरह एक काल्पनिक बात को मेनस्ट्रीम किया जाए और लोगों के बीच इस पर चर्चा चलाई जाए। इसके केंद्र में एक और ढकोसला है कि मोदी की छवि जो है हार्डकोर हिंदुत्व नेता की तरह है और कुछ लोग थोड़ा माइल्ड नेतृत्व चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि मोदी हार्डकोर हिंदू ही नहीं बन पाया और उसके कारण गाली भी खूब सुन रहा है। दूसरी बात यह है कि माइल्ड और अल्ट्रा माइल्ड सिगरेट होता है। सत्ता के नेतृत्व का एक ही ध्येय होता है, सत्ता पाना, सत्ता में होना, सत्ता को पास रखना और हर बार सत्ता में आना। मोदी के समर्थक तो चाहते हैं कि वो थोड़ा हार्डकोर हो, वो तो इस बात से नाराज हो जाते हैं कि वो सबका साथ सबका विकास की बात क्यों करता है जबकि समुदाय विशेष उसे वोट देने से तो रहा। कुछ समर्थकों ने इस पर कई बार सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखी है कि मोदी को हिंदुओं की बात करनी चाहिए क्योंकि हिंदुओं ने उसे जिताया है। इसलिए हार्डकोर और सॉफ्ट कोर वाला लॉजिक जो है वो एकेडमिक डिबेट और डिटैच्ड लॉजिक वाले पैनल डिस्कशन में खूब चलता है। इन लोगों ने जानबूझकर यह सोच रखा है कि जनता यही सोचती है, जनता क्या सोचती है उसके लिए बाहर निकलना पड़ता है। खैर, नितिन गडकरी को सच्चाई पता है और उन्हें अपनी सीमाओं का भी एहसास है, इसलिए वो ऐसी अफवाहों को सिरे से खारिज कर देते हैं कि भाजपा में एक ऐसा ग्रुप है जो चाहता है कि मोदी को 220 ही सीटें मिलें ताकि गडकरी को पीएम बनाया जा सके। इसके भीतर का एक अनकहा लॉजिक यह बताया जाता है कि मोदी किसी को पैसा बनाने नहीं दे रहा है, इसलिए मंत्री सत्ता तो चाहते हैं लेकिन प्रधानमंत्री की जगह मोदी को छोड़कर किसी और को चाहते हैं। ये लॉजिक नहीं है, ये लंपटों के भीतर बैठा चोर है जो सही चलते व्यवस्था पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा कि कांग्रेस काल की डकैती यहाँ पर क्यों नहीं हो पा रही। अब उनके पास कोसने के लिए रवीश जैसे लोगों के पास जो सवाल बचे हैं उनमें प्रमुख यह है कि आप मोदी से पूछिए कि उसके पास कपड़े कहाँ से आते हैं, उसका मूल्य कितना है, उसके कलम का दाम कितना है, उसका चश्मा फ्रेमलेस क्यों है। मैं मजाक नहीं कर रहा, द वायर के एक कार्यक्रम में सरकार से सवाल पूछने को उकसाते हुए रवीश ने यही सवाल पूछने को कहा था। इसलिए चिल मारिए, टीवी खूब देखा कीजिए, सोशल मीडिया पर खूब लिखिए, जो मन में आता है लिखिए, यह समय चुप रहने का नहीं है। लिखना नहीं आता है तो बोलिए। अगर आपके कारण 5 आदमी प्रभावित हो रहा है तो उन्हें प्रभावित कीजिए। चाहे आप जिस भी विचारधारा से चलते हों, तर्क का दामन मत छोड़िए, थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो पता चल जाएगा कि मीडिया आपको कैसे प्रभावित करने की कोशिश में है। जब मीडिया नितिन गडकरी को इंटरव्यू के लिए समय लेने के बाद इस तरह से भटकाने की कोशिश करता है तो आप तो फिर भी आम जनता कहलाते हैं। नमस्कार।